हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश के जो ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 में हुआ था उसका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए एग्जाम पेपर था वो मैं आप लोगों को आज पूरा बताऊंगी कि इसमें क्या क्वेश्चन है, किस टाइप के क्या क्वेश्चन का लेवल है और उसी के बेस पर आप लोगों को तैयारी करनी है 2020 के एग्जाम पेपर की। ठीक है, तो आप लोगों को और बुक्स वगैरह या सिलेबस वगैरह और पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MPITITO 2020 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी वीडियोज़ हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं कि वो किस टाइप के हैं, किस लेवल के हैं। तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शतरंज के खिलाड़ी थे, तो दूसरा इनमें कौन था। तो दूसरा जो आंसर होगा आपका वो है इसमें ये ऑप्शन फर्स्ट, देवेंदु बरुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। उस अब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साहित्य अकेडमी सिचुएटेड, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साहित्य अकेडमी का मुख्यालय है। तो हमें पता है साहित्य अकेडमी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल इतना हार्ड नहीं है। इसमें एमपी जीके और जो अदर स्टेट जीके है वो भी पूछी जाती है, तो आपको जीके मतलब कि जीके या करंट अफेयर वगैरह सभी जगह के पढ़ने हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के पढ़ने हैं आपको। यहाँ निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है, तो आपको पता है कि कौन सा नहीं है। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, तो यहाँ पे जो नहीं लगता है वो है वाराणसी। वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं लगता है। ठीक है, बाकी उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार में लगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसमें है कि 1981 में मध्य प्रदेश में जो ध्रुपद केंद्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो जो ध्रुपद केंद्र स्थापित किया गया था 1981 में वो भोपाल में स्थापित किया गया था। तो इस टाइप से एमपी जीके से भी पूछे जाते हैं और अदर स्टेट जीके से भी पूछे जाते हैं, तो आपको ऑल इंडिया जीके पढ़नी है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब मध्य प्रदेश के जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को मध्य प्रदेश जीके अच्छे से पढ़ लेनी है और मध्य प्रदेश करंट अफेयर वगैरह भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसमें आ जाता है जैसे 2016 में भारत के किस विश्व धरोहर स्थल पर्यटन स्थल ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी या करी थी, तो वो है खजुराहो। खजुराहो ने 2016 में भारत के विश्व धरोहर स्थल पर्यटन स्थल में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करी थी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर का ये था 2016 का, जो 2016 में ये एग्जाम हुआ था, क्योंकि तो इस टाइप से आप जैसे 2020 चल रहा है तो 2020-19 का करंट अफेयर आपका इसमें आ सकता है। तो आप लोग करंट अफेयर के लिए मेरी वीडियो में आप लोग जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे आप, तो एमपी डेली मतलब वीकली करंट अफेयर करके एक प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, तो आप लोगों का जो 2020 का जो करंट अफेयर वो कवर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज होस्टेड इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट IITIS इन 2016। अब देखिए ये भी 2016 से है कि निम्न में से किस शहर में इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट 2016 आयोजित की गई है, तो कहाँ की गई थी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके रहेंगे और आप इसमें देख रहे हैं मोस्टली जो करंट अफेयर और मतलब जीके से रिलेटेड हैं जितने भी क्वेश्चन। ये देखिए जैसे निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2017 के लिए विदेशी फिल्म श्रेणी में आधिकारिक रूप से प्रवेश मिला था, तो इसमें क्या है, बिसार नई। ठीक है, बिसार नई को मिला था। इस टाइप से आप देखेंगे तो इसमें पूरे ये क्वेश्चन ये क्रिकेटर वगैरह से रिलेटेड है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने कैंसर से लड़ाई लड़ी एवं यूवी कैन फाउंडेशन की शुरुआत की, तो युवराज सिंह ने कैंसर की लड़ाई लड़ी और जो यूवी कैन फाउंडेशन की शुरुआत की युवराज सिंह ने। ठीक है, इसी प्रकार से ये है 9 नंबर क्वेश्चन के मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा है, उज्जैन। उज्जैन जो जिला है वो रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है। इस टाइप से ये क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के थे, अब इसमें साथ में ही जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, किस लेवल का है। जनरल साइंस का आप देखेंगे तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त के जमने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी है, तो आपको पता है विटामिन के इसमें है जो रक्त का थक्का बनाता है या रक्त के जमने में सहायक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए,
अब आप देख सकते हैं कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है जनरल साइंस का। तो ये जो क्वेश्चन है आपने 6th 7th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं लेवल कितना ईजी रहता है, बस आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूटी बनाए रखना। अभी 4 साढ़े 4 महीने, तो आप लोग इतने में अच्छे से पढ़ सकते हैं, सब कुछ कवर कर सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई का भी कर सकते हैं, बहुत टाइम है आपके पास। अब देखिए, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र, अशोक चक्र में कितनी तीलियां या स्पोक्स होती हैं, तो आपको पता है इसमें 24 होती हैं, 24, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जो ये भी MP GK या मतलब ऑल इंडिया GK से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और वो जनरल साइंस का भी क्वेश्चन इसमें आया था, और इसमें आपका मोस्टली MP GK, मतलब कि आपको GK पढ़नी है, ऑल इंडिया GK, ठीक है, और करेंट अफेयर पढ़ना है ऑल इंडिया का, और मध्य प्रदेश का साथ में आपको अलग से ही देखना है, ठीक है, और फिर उसके साथ है आपका जनरल साइंस। तो ये तीन सब्जेक्ट आपको मोस्टली पढ़ने हैं, ठीक है, करेंट अफेयर, GK और आपको जनरल साइंस, ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं नॉन टेक के लिए। तो आपका पूरा नॉन टेक कवर हो जाएगा। और इसमें देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पहचाने, तो मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन से थे, तो वो है पट्टाभी सीतारामैया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1st या ये सही है इसमें, पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। इस टाइप से ये भी पूछ लेगा, तो आपको देखिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर से अलग से पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है, तो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है, तो यहाँ पे है कावेरी, कावेरी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है, ठीक है। बाकी जो चंबल है, महानदी है और नर्मदा है, ये तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक। तो आप नदियों से भी देखिए क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों को अगर नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, मध्य प्रदेश रिवर्स करके जो ऐप मतलब प्लेलिस्ट पर वीडियो पड़ी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि भगौरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति समुदाय का नृत्य है, तो भगौरिया भील जनजाति समुदाय का नृत्य है, मध्य प्रदेश का है ये, ठीक है। तो ये देखिए MP के जो मतलब GK है वो पूछी गई है यहाँ पे, तो आप लोगों को वो भी पढ़नी है। किसे हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो किसको, सुधीर प्रताप सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया है। ये 2016 के टाइम का था, तो अभी आपको 2020 के टाइम पर पढ़ना है, तो ये आपका इसमें चेंज भी हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों को देख लेना है, जो करंट का है वो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय, मध्य प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, तो किसके साथ सीमा साझा करता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। अब है नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखिए, ठीक है। इस टाइप के आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, और ये जो है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। इसे हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई नंबर क्वेश्चन के, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो माधुरी दीक्षित को ममता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। इस टाइप से मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो क्या था, 181 हेल्पलाइन नंबर था, ठीक है। मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होते हैं, तो किस भाग में होते हैं, तो यहाँ पे है ब्रेन, ब्रेन भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस यहाँ। और आप देखेंगे यहाँ भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है, तो आपको पता है कि कौन सा है, रिवर डॉल्फिन इसका जलीय जंतु है, मध्य प्रदेश सॉरी भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, ठीक है। अब यहाँ पे है कि द UN फ्लैग इज ब्लैंक इन कलर, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग होता है तो हल्का नीला होता है, ठीक है, लाइट ब्लू। तो इस टाइप से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे MP मतलब के जो आपका MP GK और ऑल इंडिया GK करंट अफेयर और जो जनरल साइंस है उनसे रिलेटेड आपने देखे कि 25 क्वेश्चन थे। अब आप देखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी बहुत इजी आते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, हार्ड लेवल बहुत कम 5-10% आते हैं, तो आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, बेस से आप लोगों को हर चीज़ हर टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर वी हैव टू यूज़ बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है, तो क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है इसका, है ना।
तो इस टाइप से ही आपका इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप और आगे देखेंगे तो इसमें है कि यहाँ पे 5 HP सब्सक्राइबल केज इन इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टार्क देगा, तो वो कौन होगा इसमें DOL स्टार्टर। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए जैसे यहाँ पे AC इज़ कन्वर्टेड इनटू DC बाय AC को DC में खाली स्थान के द्वारा रूपांतरित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे रेक्टिफायर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से आप देखेंगे तो पूरे आपके इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। इसकी मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को देख के खुद से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आंसर भी इसमें है तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है। और इसमें आप देखेंगे मोस्टली थ्योरिटिकल ही आते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आप लोगों को अपने थ्योरिटिकल मतलब क्या करना है कि जो बुक्स वगैरह मैंने बताई हैं तो उसमें आपको ऊपर चीज़ करनी हो, थ्योरिटिकल पढ़ना है, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है उनको लगाना है और देखना है कि आपके कितने सही हैं, आपको कितना बन रहा है, और आपको ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे कि ये है कि एनर्जी मीटर इज़ आ और एन एनर्जी मोटर है, तो एनर्जी मोटर क्या है, एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है एनर्जी मोटर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड नहीं है, तो आप लोग इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं, बस आपको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को बार बार अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार आप लोगों को अच्छी पूरे रिवाइज कर लेना है क्वेश्चंस वगैरह को जो जितने भी आपके पास हैं और टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कितने चीज़ें यहाँ पे देखिए, धारिता की इकाइयाँ, द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर फ्रेड एंड द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर धारिता की इकाइयाँ हैं फेरेड और धारिता प्रतिघात की इकाइयाँ हैं, तो वो क्या है, ओम्स है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखेंगे कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस टाइप से ही सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें आते हैं, तो इस टाइप से आपके ये 75 क्वेश्चन नॉन टेक के हो जाएंगे और टेक्निकल के 25, तो ऐसे करके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए 100 क्वेश्चंस को, तो आप लोग आराम से उसे सॉल्व भी कर सकते हैं 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप लोग उसे भी मतलब लगा कर आएँ जो भी आपको सही गलत लगे। ठीक है, बाकी आपको अटेंड 100 में 100 करने। आप देखिए, आप यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन गेट से है, एंड और एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सारे गेट्स वगैरह से भी है क्वेश्चन, है ना, इसमें सीरीज वगैरह से भी है जिसमें पैरेलल सीरीज है, ये सारे आप देख सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन है। जैसे विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो बिजली का सबसे अच्छा चालक है इसमें कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मतलब कि इन्होंने यहाँ पे दिया है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, तो इनमें से कॉपर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे तो पूरे इसमें जो है 75 क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे पूरा देखते रहेंगे और मैं PDF दे दूंगी, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी भी टाइप का डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरी वीडियो को देखें, जिससे आपको पूरे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे है ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, ओम का नियम खाली स्थान मध्य संवर संबंध दर्शाता है, तो किसके बीच संबंध दर्शाता है ओम्स का नियम, अप्लाइड वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस एंड करेंट के बीच में। ठीक है, अप्लाइड यहाँ पे दिया गया वोल्टेज भार का प्रतिरोध तथा धारा के बीच में रिलेशन दर्शाता है ओम्स लॉ। ठीक है, इस टाइप से आपके पूरे 75 क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।